जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। आज आपको यह खबर दिखा रहे हैं हम, गुरुग्राम के अंदर वाटिका कुंज में होने वाले विशाल और भव्य बाबा श्याम के संकीर्तन महोत्सव के लिए। आपको बताना चाहेंगे 8 जून 2024 को यहां पर बाबा श्याम का संकीर्तन होने वाला है, जिसमें कि पूरे शहर की गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भजन गायक हरमिंदर सिंह रोमी आने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी यहां पर की गई हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी इस खबर के माध्यम से हम दे रहे हैं। साथ ही यहां पर आयोजनकर्ताओं ने कहा है कि वह जो ये विश्व प्रसिद्ध भव्य मंदिर बनने वाला है, इसमें दानदाताओं से उन्होंने अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चंदा दें। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर जो चंदा के लिए स्कैनर दिया हुआ है उसे स्कैन करके डायरेक्ट बाबा श्याम के इस मंदिर बनने में चंदा दे करके अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को यह पांचवा वंदना महोत्सव बड़े ही धूमधाम से, इसकी तैयारी आज 2 महीना से चल रहा है, और यह मंदिर प्रांगण वाटिका कुंज ए ब्लॉक गली नंबर 3 जब यह जमीन ले लिया गया है, अपने भूमि पर पहला उत्सव होने जा रहा है, और श्री श्याम मित्र मंडल का पांचवा उत्सव है। कौन कौन कलाकार इसमें आने वाले हैं? ए भजन सम्राट हरमिंदर सिंह रोमी का आना हो रहा है, महेंद्र गुरुजी का आना हो रहा है, और अंजना आर्या, पूर्णिमा बंसल, हेमंत भारद्वाज, यह सभी भजन गायक प्रवाहक हमारे यहाँ आ रहे हैं। सर मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हमारे सुशील भारद्वाज हैं, और विशिष्ट अतिथि अमित भराना और अमित भारद्वाज जी हैं। तो कितने लोगों के आने की उम्मीद है सर इससे? यहाँ 5,000 आदमी से लेकर एवं जितना आ जाए, 5 से 10,000 आदमी का पहुँचने का यहाँ कार्यक्रम, उस हिसाब से तैयारियां किया जा रहा है। भंडारा प्रसाद की व्यवस्था होगी? जी, भंडारा बाबा का प्रसाद यहाँ बिल्कुल सभी भक्तों के लिए। समय क्या रहेगा सर शाम का? भंडारा का समय 9:15 का है, कार्यक्रम 7:15 से शुरू हो जाएगा। क्या अपील करेंगे गुरुग्राम वासियों से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए? मैं सभी प्रेमियों से अपील करूंगा कि निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर पर अवश्य पहुंचिए, और सनातन धर्म के लिए एक संदेश है, पूरे गुरुग्राम में नागर शैली में जो बाबा श्याम का मंदिर बनने जा रहा है, खुले दिल से आप इसमें दान दीजिए। दान के बिना कोई धर्म का कार्य नहीं किया जा सकता है, और हाथ जोड़ के विनती करूंगा कल जो यह उत्सव है, ज्यादा से ज्यादा श्याम प्रेमी यहाँ पर आए। जय श्री श्याम। मैं नरेश प्रसाद, श्याम मित्र मंडल का अध्यक्ष। मैं सभी श्याम भक्तों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक बाबा के श्री चरणों में आएं और अपना सिर नमन करें, और जागरण और भंडारा का शोभा बढ़ाएं, और बाबा का निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर है, और आए देखें जो दान दिए हैं उचित जगह दान दिए हैं या वो उचित जगह दिए हैं। जी, जो दान दिए हैं जितने श्याम प्रेमी ने, वो आके देखें उचित जगह हम दान दिए हैं या अगर उचित जगह दान दिए हैं, सही जगह दान दिए हैं, बाबा का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी देखना अनिवार्य है। जी, जय श्री श्याम। मेरा नाम राजेश है और मैं श्याम सेवक हूँ। छोटा सा अपना पास में निवास है, और श्याम बाबा का यहाँ मंदिर जो बन रहा है, पहला कीर्तन होने जा रहा है यहाँ पे। मंदिर का जो निर्माण हुआ उनके बाद पहला बड़ा भव्य कीर्तन हो रहा है। वैसे तो हर महीना कीर्तन होता है, पर ये बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, और उनके उपलक्ष्य में अपना 108 निशान का भी संयोग बना है, जिसमें कि अपना परिक्रमा मार्ग तय किया जाएगा कि हमारा परिक्रमा मार्ग मंदिर का क्या होगा। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी परिक्रमा मार्ग भी तय किया जाएगा, और इसके बाद जो है कि अपना कीर्तन में सभी आदमी सहयोग कर रहे हैं, पूरा गुड़गांव वासी सहयोग कर रहे हैं, और अपना मंदिर पहला कीर्तन करने के बाद ये अनुभव है कि बढ़िया से बढ़िया दान आए और लोगों ने मंदिर में सहयोग करेंगे, फिर मंदिर अपना अपना निर्धारित रूप में चालू हो जाएगा बनना। ठीक है,
कितने भक्तों की यहाँ आने की उम्मीद है सर इस बार इस कार्यक्रम में? हम लोग व्यवस्था तो 5,000 आदमी का किए हैं, प्लस रॉ मटेरियल सूखा रखेंगे, यदि और 2-3 हजार आदमी और बढ़ जाए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे सेवा में। सभी आदमी मतलब ये अनुमान लगाएंगे 5+ आएंगे। और शाम प्यारे की जय, बोलो लखदा तार की जय, तीन बांधारी की जय। साथ ही यहां पर आज 6 तारीख को एक विशाल बाबा श्याम के ध्वज यात्रा भी निकाली गई, जिसको आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं, पुरुष और बच्चे ध्वज लेकर के जा रहे हैं। इस खबर को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।